ये जो पास्ट मेरे साथ जो भी चीज हुआ था ना, उन सब चीजों को भुलाने के लिए आए हैं भाई। बस इतना जान लो कि मर के बचे हैं। सबसे अच्छा क्या लगा पता है? अभी जूता जो रखे ना भाई, उन्होंने अपने हाथ में जूता लेकर रखा है। ये आंटी आपको दिखी होगी उस वीडियो में, बाय बाय। और ये देखो भाई, शब्दों में बयान नहीं कर सकते इतना खूबसूरत। आप लोग जब यहाँ पे आओगे ना, तब समझ में आएगा भाई क्या खूबसूरत जगह है ये। भाई यहाँ पर क्या सब हो रहा है मुझे तो नहीं पता, लेकिन सिख कम्युनिटी है ना भाई, वो हम लोग काफी ज्यादा पसंद है। तो यार फिर एक नया दिन और फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर। लास्ट टाइम जो बाबू भैया फॉरबिसगंज आए थे, तो उनके साथ में अपेक्षा थी आई थी, तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं उन्हीं से मिलने के लिए। बाराखंबा रोड में उनका ऑफिस है, तो वहीं हम लोग जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। फिर बाराखंबा से हम लोगों को जाना है निजामुद्दीन के साइड में। जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं भाई, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार मेक श्योर की चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और काफी मजा आने वाला है इस वीडियो में। और ये रहे चाचा जो हमें लेके जा रहे हैं बाराखंबा रोड। क्या चाचा ठीक है? चाचा शौक हो रहे आखिर किससे बात कर रहा है फोन में। बाकी भाई ब्लॉगर का भाई यही सीन है, मतलब ऐसा अटेंशन मिलता है ना पब्लिक में कि मैं क्या ही बताऊं। कभी कभार शर्म भी लगता है, लेकिन क्या ही करे, काम ही ऐसा है भाई। भाई शर्म को बाय बाय तो करना ही पड़ेगा भाई। ये दिल्ली में तीसरा दिन जा रहा है मेरा, और मेरा सारा काम हो गया है, मेडिकल वाला भी काम हो गया है। काफी लोग पूछे थे मेरे से कि भैया क्या रिपोर्ट आया, क्या हुआ नहीं हुआ। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 साल पहले जो मेरा सर्जरी हुआ था ना, तो उसी से रिलेटेड भाई रूटीन चेकअप में हम यहाँ आए हुए थे। और आप लोग टेंशन मत लो, सारा चीज ओके है भाई, कोई डरने वाली बात नहीं है। बस मेरा एक था कि हम चेक करवा लें, 2 साल हो गया है, तो हॉस्पिटल वाला काम भी सारा डन हो गया है, और अब बचा है भाई थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे, थोड़ा बहुत घूमेंगे, और आप लोगों को भी घुमाएंगे। काफी लोग मेरे से ये भी पूछे थे कि भैया क्या चीज़ का सर्जरी आपका हुआ था। तो भाई थोड़ा सब्र कर लो, सब कुछ बताएंगे आप लोग हमारे फैमिली मेम्बर हो, आप लोगों से कुछ भी नहीं छुपाएंगे भाई। बस इतना जान लो कि मर के बचे हैं। और ये जो यूट्यूब पे हम आए हैं भाई, तो सोचो तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए हैं कि ये जो पास्ट मेरे साथ जो भी चीज़ हुआ था ना, उन सब चीज़ों को भुलाने के लिए आए हैं। तो सर्जरी के बाद से ही हम YouTube स्टार्ट कर दिए थे। अगर आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो देखोगे ना, स्टार्टिंग का वीडियो देखोगे आप लोग मेरा, काफ़ी दुबला पतला थे उस टाइम हम, तो बस समझ जाओ कि मर के बचे हैं। और अब जाकर भाई सब कुछ ओके है, बाकी आप लोग दुआ करो कि आगे सब कुछ सही रहे। जितना जल्दी सोच रहे थे कि हम लोग पहुंच जाएंगे लोकेशन पे, उतना ही ज्यादा लेट हो रहा है। देखो भाई ट्रैफिक इतना खतरनाक वाला लगा हुआ है ना। और वैसे ये एयरपोर्ट साइड का रोड है, ढोला कुआं आगे है, तो इसीलिए भाई ये एयरपोर्ट वाला रोड है, तो इसीलिए काफी ज्यादा जाम रहता है यहाँ पे। हेलो ये नेपाली नूडल्स है। नेपाली नूडल्स है, थैंक यू सो मच। नेपाल में मिलता है बस? हां उधर भी मिलता है, जब भी आओ। फॉरबिसगंज कॉमन है ना, फॉरबिसगंज नेपाल से सटा हुआ है। अरे अरे वैसे हम लोग घूमने आते हैं गुरुद्वारा साइड, इधर बगला साइड आए थे सोशल मिल लेते दीदी से। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत भाई फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं गुरुद्वारा साहिब, और यहाँ पर बाजी शरबत पिला रहे हैं। और ये रहा सारा एंट्रेंस, काफी खूबसूरत यहाँ, काफी खूबसूरत। सारा हिस्ट्री है गुरुद्वारा साहिब का, पाउस करके पढ़ लेना जिनको पढ़ना है। काफी खूबसूरत यार, ये देखो मतलब अलग ही वाइब आ रहा है यहाँ पे तो, है सन्नी? और सबसे अच्छा क्या लगा पता है? अभी जूता जो रखे ना भाई, उन्होंने अपने हाथ में जूता लेकर रखा है, सबसे ज्यादा अच्छा मुझे ये लगा यहाँ पर। और ये देखो भाई, ओहो मछलियाँ देखो भाई तालाब में, ये वाइट वाली, ये देखो देख रहे हो,
ओ भाई साहब, काफी खूबसूरत जगह है यार, काफी खूबसूरत जगह है भाई। यहाँ पर क्या सब हो रहा है मुझे तो नहीं पता, लेकिन सिख कम्युनिटी है ना भाई, वो हम लोग काफी ज्यादा पसंद है। भाई सिख कम्युनिटी है ना, वो काफी ज्यादा पसंद है हम लोगों को, तो दैट्स द रीजन हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और मतलब काफी खूबसूरत जगह है यार, शब्दों में बयान नहीं कर सकते इतना खूबसूरत। आप लोग जब यहाँ पे आओगे ना तब समझ में आएगा भाई क्या खूबसूरत जगह है ये। एक अच्छा वाइब आता है, बहुत अच्छा वाइब आता है, एकदम प्योरिटी की, एकदम लगता है कि हाँ किसी अच्छे जगह पे आ गए, एकदम पीस, बहुत बेहतरीन सुकून सा मिल रहा है यार। साहेब भाई गुरुद्वारा से हम लोग निकल गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं निजामुद्दीन दरगाह के साइड। भाई कवाली भी चल रहा है यहाँ पे, आपने अगर मेरा लास्ट वाला वीडियो देखा होगा निजामुद्दीन का तो ये आंटी आपको दिखी होगी उस वीडियो में, वही आंटी सेम वही आंटी फिर से, ये लो ठीक है बाय बाय वही आंटी है सेम, इससे पहले जो निजामुद्दीन वाला मेरा वीडियो देखे होगे तो उसमें दिखी होगी ये आंटी। भाई अभी मैं मेट्रो स्टेशन आ रहा था तो मेरे पास सारा कैश खत्म हो गया था, सारा पैसा मेरे फोन पे में था, तो मैंने एक आदमी को रोका, मैंने बोला भैया आपको मैं फ़ोन पे कर देता हूँ, मुझे आप कैश दे दो 200 रुपये। और उन भाई ने भाई मुझे बोला कि आप मेरे से 100 रुपये ले लो, मैं बोला कि चलो ठीक है इतना में तो भाई हम डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे। मेरे से पैसे लिए ही नहीं, मतलब फ़ोन पे उन्होंने मेरे से लिया ही नहीं, उसने बोला भाई रख लो, मतलब ऐसा मेरे साथ भी कभी हुआ है, मैं तो टोटली शॉक, मतलब ऐसे भी लोग होते हैं यार, काफ़ी हेल्पफुल थे। मैंने उनको थैंक यू बोला, मैंने उनको बोला भाई आपको हम फ़ोन पे कर देते हैं आप ले लो पैसे, तो उन्होंने सीधा डिनाई कर दिया, बोला भाई ऐसा मेरे साथ भी कभी हो रखा है आप रख लो पैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये आ गया अपना मेट्रो और मुझे यहाँ से जाना है मंडी हाउस, और मंडी हाउस से भाई फिर चेंज करना है, ये रहा भाई साहब काफी भीड़ है बे, काफी भीड़, हालत खराब समझ रहे हो, देखो पूरा पब्लिक भरा है भाई साहब। तो भाई सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सभी को, और अभी हम लोग आए हैं भाई नाश्ता करने के लिए, और भाई आप लोगों को बता दूं कल का टिकट मेरा हो गया है, कल हम लोग पैक हो रहे हैं फॉरबिसगंज के लिए, और फिलहाल अभी हम लोग आए हैं छोले भटूरे खाने के लिए। देखो भाई पनीर वाला छोले भटूरे भैया जी बना रहे हैं, और साथ में सलमान है, सन्नी है सन्नी को तो सब जानता है, सही बात है। ये आ गया अपना छोला भटूरा, और ये कुछ गरीब लोग यहाँ पर मुंह देख रहे हैं लार टक्का रंग सही है चाचा फुल हंस रहे हैं देख लो जाओ भाई खुले पैसे दिए जाओ अभी पूरा गरीब है भाई, गरीब का सरदार है हम लोग। तो भाई अभी हम लोग आए हुए हैं कौन सी जगह, ये दिल्ली हाट। तो भाई दिल्ली हाट हम लोग आए हुए हैं, और सलमान का कहना था काफ़ी अच्छा जगह है ये, मतलब पार्क टाइप का है कपल्स के लिए, भाई कपल्स तो मतलब बंदी तो है नहीं मेरी वो, कोई नहीं हम बना लेंगे सही है। तो भाई अभी हम लोग यहाँ आए हैं और काफ़ी खूबसूरत जगह है, दिल्ली हाट बोल के है जनकपुरी में, और यहाँ पर है कुछ रील्स स्टार, ये देखो रील्स बन रहा है। और एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, दिल्ली में जगह जगह पर भाई अपने देश का तिरंगा लगा हुआ है,
और यहाँ पे भी देखो काफी शान से लहरा रहा है अपने देश का तिरंगा। फर्स्ट फ्लोर पे भाई पेड़ कैसे उगा रखे इन्होंने भाई साहब, सही है भाई सही है। और भाई वैसे भी मेरा दिल्ली में आज लास्ट दिन है, तो मैंने सोचा कि चलो यार बाकी के 6-7 घंटे यहाँ बचे हुए हैं, अभी दोपहर के भाई 3 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो कुछ घंटे बचे हुए हैं तो घूमते हैं। बाकी दिसंबर में मेरा प्लान है राइड का, ठीक है, हम लोग प्लान कर रहे हैं कि नेपाल जाए कि सिक्किम जाए, अभी डिसाइड कर रहे हैं। और सिक्किम में काफी ठंड है यार, तो हो सकता है सिक्किम का प्लान ड्रॉप भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जल्द डिसाइड करेंगे कि कहाँ का राइड करना है, कि इस महीने के लास्ट में भाई राइड करना ही करना है, चाहे वो सिक्किम हो चाहे वो नेपाल हो। ये देखो भाई ये पूरा बांस ही खड़ा कर रखा है इस पे लेकिन भाई अंदर में ना भाई म्यूजियम टाइप का है, ठीक है, म्यूजियम है क्या अंदर? बढ़िया है भाई बढ़िया। तो भाई ये था दिल्ली का लास्ट वाला एपिसोड, और अब भाई कल का मेरा टिकट है, कल डायरेक्ट घर निकलेंगे कल, और ये लास्ट वाला वीडियो भाई, अब जो वीडियो आएगा मोटो व्लॉग आएगा। मैंने सोचा कि जब दिल्ली जा ही रहे हैं तो भाई 2-3 व्लॉग भी निकाल लें वहाँ से, जितना पॉसिबल हो पाया, जितना टाइम अपने पास में था हम व्लॉग शूट करें। और कैसा लगा वीडियो भाई कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, तो फिर बाय बाय।